हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम फार्मास्यूटिक्स में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1, जो कि फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स हैं। फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में हम पढ़ेंगे वेट्स एंड मेजर्स, जिसमें कि एम्पिरिकल एंड मेट्रिक सिस्टम पढ़ेंगे, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशंस, एलिगेशंस, प्रूफ स्प्रिट एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। जो भी कैलकुलेशंस डिस्पेंसिंग में इन्वॉल्व होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फार्मासिस्ट के पास थरो नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग द वेट्स एंड द मेजर्स दैट आर यूज्ड इन द कैलकुलेशंस। सो इसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज एम्पिरिकल सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम। एम्पिरिकल सिस्टम से, एम्पिरिकल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड सिस्टम है जो कि वे एंड मेजर्स के लिए यूज़ होता है। एम्पिरिकल सिस्टम अगेन 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एवोडोपोइस सिस्टम, एपोथिकारिस सिस्टम। एवोडोपोइस सिस्टम जो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कि पाउंड्स जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वेइंग करने के लिए एंड मेजर करने के लिए ऑफ द मास दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल स्टैंडर्ड पाउंड्स, जिसको हम LV बोलते हैं। एंड एपोथिकारिस सिस्टम ट्रॉल सिस्टम भी बोलते हैं। एंड ग्रेन्स जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ये वाले सिस्टम के लिए, जो कि मेजर करता है ऑल द वेट्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। कन्वर्जन टेबल फ्रॉम एपोथिकारिस टू द एवोडोपोइस, 1 LB, जैसे कि आप ये वाले टेबल में देख सकते हैं, 1 LB इज इक्वल्स टू 7000 ग्रेन्स, 1 OZ इज इक्वल्स टू 7000 डिवाइडेड बाई 16, दैट इज 437.5 ग्रेन्स। 20 ग्रेन्स जो होते हैं वो 1 स्क्रैपल होता है, वेर 60 ग्रेन्स जो होते हैं वो 1 ड्राचम, देन नेक्स्ट 480 ग्रेन्स जो होते हैं वो 1 आउंस होता है, एंड 12 आउंस जो होते हैं वो 1 पाउंड होता है। मेजर्स ऑफ कैपेसिटी इन द एम्पिरिकल सिस्टम, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं कैपेसिटी के लिए वो सेम होते हैं फॉर बोथ, एंड गैलन जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एंड जो अदर मेजर्स होते हैं कैपेसिटी के वो गैलन से डिराइव होते हैं। सेकेंड वाला कन्वर्जन देखेंगे अब हम, दैट इज गैलन, 1 गैलन इज इक्वल्स टू 160 फ्लूइड आउंस, 1/4 ऑफ द गैलन इज इक्वल्स टू 1 quarts, 1/8 ऑफ द गैलन इज इक्वल्स टू 1 pint O, देन 1/60 गैलन इज इक्वल्स टू 1 flow ounce। ऐसे ही आप 1 by 1 इसके जो कन्वर्जन्स हैं वो देख सकते हैं। सिस्टम ओके, लेट स्टार्ट विथ मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम जो होता है वो इंडियन फार्माकोपिया में यूज होता है फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ वेट्स एंड कैपेसिटी, एंड ये इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में फ्रॉम द 1 अप्रैल 1964 इन द फार्मेसी प्रोफेशन, मेजरमेंट्स ऑफ वेट इन द मेट्रिक सिस्टम। इसके अंदर किलोग्राम जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ द वेट्स, एंड ऑल द अदर मेजरमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। देन कन्वर्जन थर्ड वाला देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो हाइयर टू लोअर हो रहा है, दैट इज 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स, वेयर एज 1 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू 10 ग्राम, ओके, 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू 0.1 ग्राम्स, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू 0.01 ग्राम्स, 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 0.001 ग्राम, वेयर एज 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल्स टू 0.000001 ग्राम। देन मेजरमेंट्स ऑफ द कैपेसिटी इन द मैट्रिक सिस्टम, देन ये जो लीटर होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी, एंड दूसरे जितने भी कैपेसिटी के मेजर्स होते हैं वो लीटर से डिराइव होते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। कन्वर्जन टेबल्स देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि इंडियन फार्माकोपिया में मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मूले, बट प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें स्टिल एम्पिरिकल सिस्टम में लिखा जाता है बाय द ओल्ड टाइम फिजिशियंस। सो ये जो कन्वर्जन टेबल्स है वो यूज़ करते हैं फार्मासिस्ट एम्पिरिकल सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। वेट मेजर्स देखेंगे तो यहाँ पे मेट्रिक टू एम्पिरिकल जो कन्वर्ट हो रहा है, 1 kg इज इक्वल्स टू 2.2 LB pounds, वेयर एज 30 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 ounce, एंड 450 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 pound, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 15 ग्रेन्स,
60 mg इज इक्वल्स टू 1 ग्रेन। देन कैपेसिटी मेजर्स की बात करेंगे तो इसमें 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 क्वार्ट्स, 500 ml इज इक्वल्स टू 1 पिंड, 30 ml इज इक्वल्स टू 1 फ्लूइड आउंस। ओके देन नेक्स्ट इज कन्वर्जन फॉर द डोमेस्टिक मेजर्स। जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं ये डोमेस्टिक मेजर्स है, ये मैट्रिक सिस्टम है एंड ये एम्पिरिकल सिस्टम है। जो डोमेस्टिक मेजर्स में 1 ड्रॉप हम बोलते हैं वो मैट्रिक सिस्टम में 0.06 ml होता है, वेयर एज एम्पिरिकल सिस्टम में 1 मिनिमिस होता है। वेयर 1 टीस्पून जो बोलते हैं हम वो 4.00 ml होता है इन द मैट्रिक सिस्टम, वेयर एज इन द एम्पिरिकल सिस्टम 1 फ्लूइड ड्रैकम। वैसे ही आप 1 डेजर्ट स्पूनफुल एंड 1 टेबल स्पूनफुल, 2 टेबल स्पूनफुल, 1 वाइन ग्लासफुल, 1 टम्बलरफुल के मेजरमेंट्स देख सकते हैं मेट्रिक एंड एम्पिरिकल सिस्टम में। कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द डेंसिटी, डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इट हैज द यूनिट्स ऑफ मास ओवर वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिफाइन करेंगे तो ये रेशियो है ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस इन द एयर टू दैट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मेट्रिक सिस्टम जो होता है उसके अंडर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों न्यूमेरिकली सेम होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है। एग्जांपल प्रॉब्लम एक सॉल्व करेंगे हम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 kg ऑफ द ग्लिसरीन, द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज 1.25 ग्राम पर ml। जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, प्रॉब्लम में हमें दे दिया गया है ऑलरेडी कि इसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है एंड वेट जो है इसका 2 kg है, तो हमें अभी वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम के लिए हम ये वाला वॉल्यूम जो है उसे यहाँ पे भेज देते हैं एंड वेट जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वेट बाई डेंसिटी, सो 2 kg डिवाइडेड बाई 1.25 ग्राम पर ml। 2 kg जो है उसे हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 2 kg इज इक्वल्स टू 2000 ग्राम, 2000 डिवाइडेड बाई 1.25 करेंगे तो 1600 ml होता है। सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट द वेट ऑफ 200 ml ऑफ एल्कोहल हुज डेंसिटी इज 0.816 ग्राम पर ml। यहाँ पे ऑलरेडी हमें वॉल्यूम दे दिया गया है एंड डेंसिटी दे दिया गया है, तो हम वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। 200 × 0.816 ग्राम पर ml इज इक्वल्स टू 163.2 ग्राम। ओके स्टार्ट करेंगे यहाँ पर डाइल्यूशंस, एल्कोहलिक डाइल्यूशंस। एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखते हैं एल्कोहलिक डाइल्यूशंस में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 45% अल्कोहल। जो हमें वॉल्यूम चाहिए वो 400 ml है एंड जो परसेंटेज अल्कोहल हमें चाहिए वो 45% है एंड जो परसेंटेज अल्कोहल हम यूज़ कर रहे हैं वो 95% है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल टू बी यूज्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई परसेंटेज यूज्ड। हमें ऑलरेडी पता है वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज 400, परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 45 एंड परसेंटेज यूज्ड इज 95, तो हम 400 × 45 डिवाइडेड बाई 95 करेंगे, 184.47 ml आएगा। एलिगेशन मेथड स्टार्ट करेंगे, जब भी हमारे पास 2 सिमिलर प्रिपरेशन होते हैं एंड उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है एंड उसको प्रोड्यूस करना होता है प्रिपरेशन ऑफ द इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ में, तो हम एलिगेशन मेथड यूज़ करते हैं। रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज करेंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग परसेंटेज आएगा एंड वेयर एज स्ट्रॉन्ग परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज हम करेंगे तो हमें वीकर परसेंटेज आएगा। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ द 70% अल्कोहल। यहाँ पे वॉल्यूम रिक्वायर्ड जो है वो 600 ml है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड इज 70, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज्ड इज 95। जो हमारा स्ट्रॉन्ग परसेंटेज है वो 95 है एंड जो हमारा वीक परसेंटेज है वो यहाँ पर नहीं दिया है तो वो 0 है। रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 70, हम रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीक परसेंटेज करेंगे, दैट इज 70 माइनस 0 करेंगे तो 70 आएगा एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज करेंगे तो 95 माइनस 70 करेंगे तो 25 आएगा।
70 parts of the 95% alcohol and 25 parts of the water will produce the required percent alcohol. That is, quantity of the 95% alcohol required is equals to, required is 600 ml. So hum yahan pe 600 lenge into 70 part, percentage of alcohol used kitna ho raha hai, 95%. So 600 into 70 divided by 95 karenge, 422.10 ml hota hai. देन क्वान्टिटी ऑफ दी वाटर रिक्वायर्ड, वाटर की कितनी क्वान्टिटी रिक्वायर्ड है, वो 600 इंटू 25 पार्ट्स ऑफ वाटर, यहाँ पे 25 पार्ट्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, सो 600 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 95, सो हमें 157.90 ml मिलेगा आंसर. वन मोर प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द 60%, 50%, 30% एंड 20% अल्कोहल शुड बी मिक्स्ड टू गेट द 40% अल्कोहल. हमें 40% अल्कोहल चाहिए, तो 60, 50, 30 एंड 20, 60% अल्कोहल अगर हम मिलाएंगे टू गेट द 40% ऑफ अल्कोहल, तो 40 माइनस 30 करेंगे इज इक्वल्स टू 10 पार्ट्स ऑफ 50%. देन वेयर एज 50 माइनस 40 करेंगे तो 10 पार्ट्स ऑफ 30% एंड वेयर एज 60 माइनस 40 करेंगे तो 20 पार्ट्स ऑफ 20%. सो हमें 60% अगर अल्कोहल होगा तो उसको 40% बनाने के लिए 20 पार्ट्स ऐड करना पड़ेगा, 50% बनाने के लिए 10 पार्ट्स ऐड करना पड़ेगा, 60% में से 20 पार्ट्स ऐड करने पड़ेगा, 50% में से 10 पार्ट्स ऐड करना पड़ेगा, 30% में से 10 पार्ट्स ऐड करना पड़ेगा एंड 20% में से 20 पार्ट्स ऐड करना पड़ेगा, तो हमें 40% ऑफ अल्कोहल बनेगा. आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 पार्ट्स इंटू 60 प्लस 10 पार्ट इंटू 50 प्लस 10 पार्ट इंटू 30 प्लस 20 पार्ट्स इंटू 20. ये इसमें देखेंगे तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, 20 इंटू 60 करेंगे तो 1200 आएगा, 10 इंटू 50 करेंगे तो 500 आएगा, 10 इंटू 30 करेंगे तो 300 आएगा, 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 आएगा एंड इन सबको एडिशन करने के बाद में 2400 आएगा. वह खाली हम अगर पार्ट्स मिलाएंगे इसके, तो जैसे कि आप ये वाले उसमें देख सकते हैं 20 पार्ट्स, 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स एंड 20 पार्ट्स. सो अगर हम यहाँ पे सिर्फ पार्ट्स मिलाएंगे तो 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 60. यहाँ पे हमें आंसर आ रहा है 60 इंटू 40% ऑफ द अल्कोहल, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है 40%. सो हमें 2400 आंसर आएगा. ओके, देन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रूफ स्प्रिट कैलकुलेशन से. जो अल्कोहल की स्ट्रेंथ होती है उसको कैलकुलेट करते हैं इन द प्रूफ डिग्री एंड जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है 100% प्रूफ स्पिरिट इक्वल्स टू 57% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल. सो अगर वैल्यू मोर देन 57 होगी सो देन इट इज सेड टू बी ओवर प्रूफ स्पिरिट. अगर वैल्यू 57 से कम होगी तो हम उसे अंडर प्रूफ स्पिरिट बोलेंगे. इंडिया में हम एक्सरसाइज ड्यूटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपए पर लीटर ऑफ द प्रूफ अल्कोहल. सो एनी परसेंटेज वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ द अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्प्रिट एंड वाइस वर्सा बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स. फर्स्ट वाले मेथड में मल्टीप्लाई द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल बाय 1.753 एंड डिडक्ट 100 फ्रॉम द प्रोडक्ट. अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो हम उसे ओवर प्रूफ बोलेंगे एंड अगर रिजल्ट नेगेटिव होगा तो हम उसे अंडर प्रूफ बोलेंगे. एंड 1.753 ऑब्टेंड एज फॉलोज. 57.1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं इज इक्वल्स टू 100 ml ऑफ प्रूफ स्पिरिट. सो 1 वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल लेंगे इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 57.1. सो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद में 1.753 वॉल्यूम ऑफ द प्रूफ स्पिरिट आता है. एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 30 डिग्री ओवर प्रूफ एंड 40 डिग्री अंडर प्रूफ. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 30 डिग्री ओवर प्रूफ इज इक्वल्स टू 100 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 130. 40 डिग्री अंडर प्रूफ इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60. अल्कोहल की स्ट्रेंथ मालूम करेंगे यहाँ पर. जैसे कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 100 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 130. सो 100 प्लस 30 130 डिवाइडेड बाई 1.753 वॉल्यूम ऑफ द प्रूफ स्पिरिट है. देन नेक्स्ट 130 डिवाइडेड बाई 1.753 अगर हम करेंगे तो 74.15
परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आएगा, वेर एज एल्कोहल स्ट्रेंथ जैसे कि हमने कैलकुलेट किया 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 1.753, 60 बाई 1.753 करेंगे तो 34.23% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आंसर आएगा। 57 से अगर ज़्यादा होगा तो वो ओवरप्रूफ होगा एंड 57 से अगर बिलो होगा तो वो अंडरप्रूफ होगा। सो 74.15 57 से ज़्यादा है तो ये ओवरप्रूफ हुआ, देन नेक्स्ट 34.23 57 से कम है सो ये अंडरप्रूफ हुआ। एक सेकेंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, व्हाट इज़ द प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ 95% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको समझेंगे। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल इनटू 1.753 माइनस 100, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है दैट इज 95%, सो 95 इनटू 1.753 माइनस 100, तो 95 इनटू 1.753 करेंगे तो 166.53 आएगा, जिसमें से हम 100 को माइनस करेंगे प्लस 66.53 डिग्री आएगा जो कि ओवर प्रूफ है बिकॉज ये 57 से ज़्यादा है। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। हाउ मेनी प्रूफ गैलन्स आर कंटेंड इन 5 गैलन्स ऑफ द 70% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल, वैल्यू इन प्रूफ इज इक्वल्स टू परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इनटू 1.753 माइनस 100, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेंथ पता है अल्कोहल की जो कि 70% है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। 70 को हम इंटू करेंगे 1.753 से माइनस 100, इसको 70 इंटू 1.753 करेंगे तो 122.71 आएगा, उसमें से हम 100 को माइनस करेंगे तो 22.71 डिग्री आएगा। 100 गैलन ऑफ द 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इज इक्वल्स टू 122.71 यूनिट्स, 1 गैलन इज इक्वल्स टू 70% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इज इक्वल्स टू 122.71 divided by equals to 1.2271. 5 gallons of the 70% alcohol is equals to 1.2271 into 5. This answer is 0.1355 gallons of the PS. 5 gallons of the 70% volume by volume alcohols are equivalent to 6.1355 gallons of the PS. Then start karenge isotonic solutions se. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या इक्वल सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है। तो 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है वो कंसिडर करते हैं टू पास द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हेंस ये स्टैंडर्ड होता है विच इज़ आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा। जो भी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा होगा उसे हम हाइपरटोनिक बोलेंगे एंड 0.9% से बिलो होगा उसे हम हाइपोटोनिक बोलेंगे। एंड एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए 4 मेथड्स यूज होते हैं। फर्स्ट इज NaCl इक्विवेलेंट मेथड, वाइट विंसेंट मेथड, मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन मेथड एंड FP डिप्रेशन और क्रायोस्कोपिक मेथड। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड पहले पढ़ेंगे या तो क्रायोस्कोपिक मेथड भी बोलते हैं हम इसको। इसका फॉर्मूला देखेंगे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इज इक्वल्स टू 0.52 माइनस PSM इंटू A डिवाइडेड बाई B, वेयर PSM जो होता है वो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिकेशन होता है या मेडिकमेंट्स होता है, A जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ऑफ द अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, B जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ऑफ द 1% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ द एडजस्टिंग सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखेंगे हमें यहाँ पर इसका, यूजिंग क्रायोस्कोपिक मेथड How will you prepare 1% solution of the boric acid isoosmotic with the blood plasma? यहाँ पर हमें हिंट दे रहा है, that is the freezing point of the 1% weight by volume solution of the boric acid is 0.288 degree Celsius and freezing point of the 1% weight by volume solution of NaCl is 0.576 degree Celsius. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 0.52, जैसे कि ये फॉर्मूले में ऑलरेडी दे दिया है 0.52 माइनस परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिकेशन मेडिकमेंट्स दैट इज 1 इनटू A दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द अनएडजस्टेड सॉल्यूशन एंड डिवाइडेड बाय B. PSM इज इक्वल्स टू 1, A इज इक्वल्स टू 0.52
288 दैट इज क्वेश्चन में दे दिया है ऑलरेडी एंड बी इज इक्वल टू 0.576 जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है. सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0.402% वेट बाई वॉल्यूम आएगा. सो 1 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड इज नीडेड फॉर 0.402 ग्राम ऑफ NaCl टू बिकम आइसोटोनिक. देन NaCl इक्विवेलेंट मेथड पढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द टोनिसिटी इज इक्वल्स टू 0.9 PSM into E. यहाँ पे जो PSM है वो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिकमेंट्स है एंड E जो है वो NaCl का इक्विवेलेंट है दैट इज क्वांटिटी ऑफ द NaCl दैट इज इक्विवेलेंट टू द 1 ग्राम ऑफ द ड्रग. वाइट वेन सेट मेथड देखेंगे. सो V इज इक्वल टू W इंटू ई इंटू 111.1 वेयर V जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ द आइसोटोनिक सोल्यूशन इन ml दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग द ड्रग इन द वाटर. W जो होता है वो वेट ऑफ द ड्रग एंड E इज इक्वल टू NaCl इक्विवेलेंट. मोलार कॉन्सेंट्रेशन और मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसको कैलकुलेट करेंगे. उसको कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द एडजस्टिंग सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.03 m बाय n वेयर m इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एंड n इज द नंबर ऑफ आयन्स इन टू विच द सब्सटेंस इज आयोनाइज. प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पे हाउ टू प्रिपेयर एंड आइसो ऑस्मोटिक सोल्यूशन यूजिंग डेक्सट्रोज. हिंट जो दे रहा है वो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है डेक्सट्रोज का वो 180 है एंड डेक्सट्रोज जो होता है वो नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस है. सो यहाँ पे वेट इज इक्वल्स टू 0.03 ऑलरेडी हमें पता है जैसे कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है कि डेक्सट्रोज जो होता है वो नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस है. सो यहाँ पे फॉर्मूले में जो n प्रेजेंट है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. सो वेट इज इक्वल्स टू 0.03 m इंटू डेक्सट्रोज का मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी दे दिया है 180. सो 0.03 इंटू 180 करेंगे तो 5.4 ग्राम पर 100 ml मिलेगा हमें. थैंक यू एवरीवन. हियर एंड्स विद द सेशन. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट डाउन बिलो एंड जो प्रॉब्लम्स मैंने इसमें सॉल्व करवाए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. इफ़ आफ्टर दैट आपको कोई डाउट होगा कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं.